IIMT परिवार की ओर से आप सभी को धुलैंडी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1922 में महात्मा गांधी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन जोर पकड़ता प्रतीत हुआ, लेकिन पूर्वी भारत के दूर दराज के एक गाँव चोरी चोरा में हिंसा भड़कने से चिंतित गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी को पहली बार साबरमती आश्रम के निकट से गिरफ्तार किया गया था। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 2 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया था। आज ही के दिन 1945 में प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था। माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 ईस्वी को ग्वालियर के सिंधिया परिवार में हुआ था। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। माधवराव सिंधिया का राजनीतिक सफर 1971 से 2001 तक रहा। माधवराव सिंधिया ने लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीतकर कीर्तिमान कायम किया था। वे लोकसभा में माधवराव सिंधिया कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता बनाए गए थे। माधवराव सिंधिया का निधन 30 सितंबर 2001 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में विमान दुर्घटना में हुआ था। आज ही के दिन 1932 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ था। उडुपी रामचंद्र राव एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शासी परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। प्रोफेसर UR राव एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और संचार तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दिशा में मौलिक योगदान दिए हैं। आज के दिन 1897 में नारी शिक्षा की प्रेरणा सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध कवयित्री सावित्री बाई फूले का निधन हुआ था। सावित्री बाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। महात्मा ज्योतिबा को महिला और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, वह सावित्री बाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। वे विधवा विवाह, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए जानी जाती थी। वे एक कवित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। और अब आज का राशिफल। राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भरत ज्ञान भूषण जी द्वारा 10 मार्च दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष व उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, आपके उत्साह के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। किस्मत आपके साथ है। परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्चे अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मनोनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व सिलेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात से सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा और उसे आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी।
तुला आपकी उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी व आचरण पर संयम रखे। अपमान के योग है। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव है। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैगनी। मकर आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पेशा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मैरून व गुलाबी। कुंभ आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवार जनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग है। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी व आचरण पर संयम रखें। अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामुनी व स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।